ये कहते हैं कि बहन ने क्वेश्चन किया कि क्या रमजान में पूरा कुरान नाजरा खत्म कर लेना ये कमाल है, या फिर एक और शख्स है जो तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ता है लेकिन 15 सिपारों से आगे नहीं बढ़ पाता, ये अफजल है। मेरी बहन आप 15 सिपारों की बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल वसूक और दलाइल के साथ साबित कर सकता हूं कि कुरान अजीम के एक रुकू को अगर आप तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़कर अच्छी तरह समझें, यह आपके 50 कुरानों पर भारी है। हमारी अवाम ने तो समझा ही नहीं है, ना पैगाम इलाही को समझा ना कुछ। मैं आसान अल्फाज में आपको अर्ज करता हूँ, एक बादशाह ने अपने गुलाम को एक खत भेजा और कहा कि इसमें 10 अहकाम हैं, फौरन से पेशतर इनको पूरा करो। लेकिन जब गुलाम के पास वो खत पहुंचता है वो पढ़ता नहीं है, उसको सूंघता है, आह क्या खुशबू है, कितना प्यारा लिखा हुआ है, क्या प्यारा कागज है, क्या नफीस फरमान है। फिर उसको लपेट के एक रेशम के कपड़े में रखता है, उस पर इतर लगाता है और ऊपर रख देता है, रोजाना उसको उतारता है, चूमता है, आंखों से लगाता है, सर पे रखता है, अहकाम पढ़ता ही नहीं है। फिर एक महीने बाद जब बादशाह उसको बुलाता है कि हाँ जी अहकाम पर अमल किया, तो कहता है कि बादशाह सलामत वो तो नहीं किया, लेकिन मैंने आपके खत की तारीफ की है, उसको चूमा है, आंखों से लगाया है, सर पे रखा है, इतर लगाया है, ऊंचे मकाम पे रखा है, रोजाना अकीदत का इजहार किया है, लाइए मेरा इनाम। तो आप बताएं दयानतदारी से बादशाह से इनाम देगा या सजा देगा, क्योंकि खत भेजने का मकसद चुमवाना नहीं था, उसकी ताजीम करवाना नहीं था, अहकाम पर अमल पैरा होना ये मतलूब बादशाह था। इसी तरीके से कुरान है कि अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप इसको चूमें, आंखों से लगाएं, सर पे रखें, सिर्फ अरबी इबारत पढ़ें, बच्चे रुख्सत होने लगे तो उसके सर पर रखकर उसको रुख्सत कर दें, और बाम झगड़े हों तो उस पर हल्फ उठाए जाएं, बल्कि अल्लाह तआला ने कुरान पाक को इसलिए नाजिल फरमाया ताकि उसको पढ़ें, उसको समझें, उसकी आयात की रोशनी में अपना मुहासबा करें, अपने अमल को दुरुस्त करें, उसके अहकाम पर अमल करें। अब जो उम्मती उसको समझता ही नहीं है, पूरी जिंदगी गुजर गई पढ़े जा रहे हैं कुरान पाक, बस अरबी इबारत, और अगर पूछें क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी पैगाम इलाही समझने की फुर्सत नहीं, हत्ता के मौत आ गई और पूरी जिंदगी इस तरह दुनिया से रुखसत हो गए कि पूरी जिंदगी में एक बार भी अल्लाह के पैगाम को समझने की तौफीक हासिल ना हुई, और फिर ये समझे कि मुझे इस पर इनाम मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अरबी इबारत पढ़ता है उसको सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान हुसूल सवाब के लिए नाजिल नहीं किया गया। कुरान उठा के पढ़े, कुरान को इसलिए नाजिल किया गया ताकि उसकी आयात पर अमल किया जाए। लिहाजा जो एक रुकू पढ़े उसे अच्छी तरह समझ के पढ़े, फिर अपना अमली मुहासबा करे, अगर उसमें कोई काबिल अमल बात है उसे अपनी जात पर नाफिज करे, किसी ममनू और शय का जिक्र है और वो हमारे अंदर है तो उस गंदी आदत को अपने अंदर से निकाले, ये इसके 50वें कुरान पढ़ने से बेहतर है। इस बात को समझ लीजिए, मैं बिला तमसील अर्ज कर रहा हूँ, इससे नहीं मिला रहा हूँ, बिला तमसील अर्ज कर रहा हूँ कि एक तरफ 100 मन प्याज रख लें और एक तरफ 1 किलो सोना रख लें। अगर आपको ऑफर की जाए कि 1 किलो सोना ले लो या 100 मन प्याज ले लो, और आप कहें जी 100 मन प्याज लेंगे तो आपकी बेवकूफी का परवाना जारी करने की जरूरत नहीं है, सब कहेंगे ये अहमक हैं। मकदार के एतबार से कम है लेकिन मालियत के एतबार से ज्यादा है, तो जो कुरान सोच समझ के पढ़ेगा उसका ज्यादा सवाब है। हमारी बड़ी बूढ़ियां बैठ जाती हैं, पढ़ रही हैं कुरान जबरदस्त रमजान में, जी कितने कुरान खत्म किए, इस दफा भी मैंने 10 कुरान खत्म कर लिए। क्या फायदा हुआ 10 कुरान खत्म करने का, सिर्फ सवाब? इसलिए तो कुरान नाजिल नहीं किया गया था, कुरान तो समझने के लिए नाजिल किया गया था, कुरान अमल पैरा होने के लिए नाजिल किया गया था, और वो मकसद आपने पूरा नहीं किया। अब जाके फिर अल्लाह ताला को जवाब दीजिएगा कि क्या आपने किया और क्या नहीं किया।